Anybody help me? What do you mean by relationship? Socialization. Huh? Socialization. I heard specialization. Socialization means आप extrovert हैं कि ना आप introvert. Socialization. हाँ. ये आप introvert भी हो तो भी wife है तो relationship है. बेटा है तो है, लाइक और डोंट लाइक, रिलेशनशिप तो है. तो रिलेशनशिप जनरली हम कहीं लेके चलते हैं, अपने अलावा सब कुछ इज कॉल्ड रिलेशनशिप. Other than you, everything is part of relationship. तो हम दो relationship को यहां लेके चलते हैं logic के रूप में, क्योंकि एक बहुत गहराई का विषय है. एक है आपका office, because generally I find that this is taking your half of the life. जागृत अवस्था का आधा समय तो आपका office लेके जा रहा है. और दूसरा हम लेके चलते हैं let's say परिवार, क्योंकि परिवार एक समाज की इकाई है. One unit of the society is your family. Am I right? और परिवार से ही आगे जब बढ़ेंगे आप तो समाज परिवर्तित होते हैं. सो ऑफिस में एंड घर में दो रोल एक बराबर के हैं. जो ऑफिस में जूनियर है लगभग वही रोल घर में बेटा या बेटी कर रहा होता है. समवॉट में सेम ही टेम्परामेंट पे काम चल रहा होता है जो ऑफिस में और घर में आपके साथ जूनियर हो या बच्चे के रूप में, या घर में पिता है और ऑफिस में सीनियर है. समवॉट में अथॉरिटी पे वैसे ही काम चल रहा होता है. बोला तो करना चुपचाप, अकल मत लगा. अब जूनियर ज्यादा स्मार्ट हुआ तो भी प्रॉब्लम है, और जूनियर ज्यादा डम हुआ तो भी प्रॉब्लम है. सेम इज एट होम. बेटा अगर ज्यादा स्मार्ट हुआ तो ईगो घट कर जाता है. सूक्ष्म ईगो है, ध्यान रखना. बाप की बहुत ईगो होती है, बाप की ही तो ईगो होती है. वी ऑलवेज वॉन्ट ए फर्स्ट चाइल्ड, मतलब द चाइल्ड शुड बी फर्स्ट इन सोसाइटी, बट यू शुड नो मोर देन द चाइल्ड. कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. जूनियर एक फीलिंग के साथ चल रहा है, इसको सीनियर बनाया किसने? उसको तनख्वाह किस बात की मिलती? काम तो सारा यहां जूनियर सीनियर का मतलब ये नहीं कि यू थिंक ऑफ योर सीनियर, यू आर आल्सो सीनियर टू समबडी. और सीनियर क्या सोच रहा है? यार ये इडियट मेरे पास ही आना, किसने लिया इसको? क्या सिलेक्शन प्रोसेस हो गया इसका? एग्जाम स्मार्ट जूनियर आता है, फ्रेश आईआईटी का लड़का आ रहा है. अच्छा, आपने स्टडी की है 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले. उदाहरण के रूप में यू मे बी टॉपर ऑफ योर टाइम, बट डेफिनेटली इट्स ह्यूज वाटर हैज ऑलरेडी फ्लोन द 25 ईयर 30 ईयर्स. अच्छा, दैट न्यू बॉय इज कमिंग विद एनर्जी, ही इज बबलिंग आउट इन एनर्जी. ये कर सकता हूं मैं, ये कर दूंगा मैं, आग लगा दूंगा मैं दुनिया में, ये कर दूंगा मैं कंपनी को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा. ही इज कमिंग विद दैट थॉट प्रोसेस. और सामने सीनियर मिलता है, शट अप, काम से काम रख अपने. वो एक नया तरीका लेके आता चीज करने का. मैं तेको बोला क्या? जैसे बोला वैसे करने, अपनी अकल मत लगा. क्योंकि नया तरीका लाएगा तो मामला गड़बड़ है, अपने को लोचा पड़ेगा, क्योंकि अपने को सीखना पड़ेगा. और हम कहां आ गए? हम सिस्टम धर्रे का हिस्सा हो गए. ही विल कम विद न्यू स्टाइल एंड दैट इज इज अ पेन फॉर अस. सो वी मेक श्योर इन 3-4 इंसिडेंट्स वी मेक श्योर हिम नॉट टू अप्लाई हिज ब्रेन, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन. और आपने लड़का लिया है आईआईटी टॉपर, आपके पास IITIM का लड़का आया है फॉर उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जाम्पल IIT टॉपर आपके पास आया है, 99% वाला आपके पास आया है, आप उसको बोलो अकल मत लगा. जैसे काम होता है ना बॉयलर पे, वैसे काम पर चुपचाप जाके कहना आर्य नहीं है IIT, आपने ITI लिया हो तो समझ में आता है.
डिप्लोमा लिया तो कुछ कुछ समझ में, अब वो काम होना शुरू हो गया है। आईआईटी की ईगो हट होती है, डिप्लोमा ले लो, क्योंकि अकल नहीं लगानी है। सेम एट होम, द चाइल्ड हु इज अ टीनेजर और द चाइल्ड हु इज कमिंग विद द न्यू थॉट प्रोसेस, वो पापा को मम्मी को बोलता है या बोलती है ऐसे कर ले क्या, यू जस्ट लुक एट हिम लाइक दिस, उसको मिल गया जवाब, जैसा बाप ने बोला वैसा कर लेना। ये क्या रिलेशनशिप हम डेवलप कर रहे हैं, हम फोटो कॉपी स्टडी कर रहे हैं। We want junior should behave the we want a photocopy us. We want son to behave the we want the photocopy of us. Relationship raha kya? Relationship ka matlab tha other than you. That's our relationship. It's other than you. But you are struggling full throttle to make other person like you. And the conflict starts. जब आपको प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आप जूनियर से कहते हो तेरे में अकल नहीं थी क्या, तू कुछ अकल लगा लेता, बॉस आपने बोला अकल मत लगा, बॉस आपने बोला अकल जैसे बोल रहा हूं, हाँ सर वैसे किया सर, देखो ना सर आपने बताया था सर वैसे किया सर, अंदर ही इज हैप्पी नाउ, एंड व्हेन ही नोज दैट कि आपको डांट पड़ेगी आपके बॉस से, आप दो पैक फालतू पिएगा, क्यों, क्योंकि आपने रिलेशनशिप ऐसे डेवलप किया, अब वो आपको डांट पड़ने से दुखी नहीं हो रहा है, हालांकि होना ये चाहिए था कि वो दुखी होता कि काम से मेरे बॉस को डांट पड़ी, बट वो रिलेशनशिप कैसा था, ही डिड एब्सोल्युटली द वे यू वांट, ही इज नॉट हैविंग ओनरशिप इनटू दैट एट ऑल, ही इज हैविंग द फॉलोअरशिप। घर में यही संघर्ष चल रहा है, the wife of yours or husband of yours, you find your spouse is conceived in some remote area of India, maybe thousands of miles, hundreds of miles away than your area where you are conceived, different set of the parents, different social economic conditions of that family where they were conceived, 4, 5, 10 years gap of the area where they have conceived, different siblings, different primary school, teacher and society and economics and mohalla and shahar, aur 20-25 saal tak do different ped paudhe taiyar ho rahe hain, wo ek mandap par aakar ab ek kar diye gaye hain, now the conflict starts in relationship, what is the conflict? The husband is having the dominance, the wife should obey me. देखिए वो स्वागत पे इलू इलू कुछ भी बोलो, नो नो तेरी जिंदगी है जैसी मर्जी जी, तू अपना घर समझ इसको, ये इलू इलू कुछ भी बोलो आप, अंदर क्या चल रहा है, the dominance, I dominate, and she is coming with some preconceived notions. What preconceived notions? She has seen her father. She has seen her elder brother. She has seen her jijaji. She has seen her XYZ, the man in her dominance of that. She is carrying that subconscious mind mein, apne avachetan mein, preconceived notion ke saath wo leke aa rahi hai, man matlab like this. Mind you, the first lover of girl is the father. First crush of the girl is the father. Then maybe the elder brother. They always look husband, the father way. For a boy, the mother is the first crush. When you look for a wife, look for ki meri maa jaisi caring hai kya? Wo maa ko dhoondta hai apni wife. Jab biological requirement khatam hoti hai, psychology mein wo purna maa ko hi dhoondta hai. To yahan bete ke andar impression leke chal raha hai beta kiska? Apni maa ka impression leke chal raha hai. वो सारे गुण ढूंढने की कोशिश कर रहा है और ये अपने पिता के गुण ढूंढने की कोशिश कर रही है, इस बाउंड टू बी कॉम्प्लीट। एंड बाय चांस द गर्ल केम फ्रॉम द फैमिली वेयर मदर रन्स द फैमिली, मदर इज द मैन ऑफ द हाउस, एवरी फैमिली मैन इज नॉट द मैन ऑफ द हाउस, यू ऑल एग्री विद मी, इन सम केसेस, इन फ्यू केसेस और मोस्ट ऑफ केसेस, इट्स टोटली योर कॉल, the woman is the man of the house,
Maybe the girl came from that maybe that social environment or the family environment where the mother was dominant, and the boy is the groom in the family where father was dominant. Here she cannot believe कि आदमी कैसे मेरी बात नहीं कहना मान रहा और इसकी ग्रूमिंग क्या हुई है. औरत है जो मैं बोल रहा हूं वही करना है, ढंग में रह ले. इज अ कल्चरल शॉक. सो कॉन्फ्लिक्ट कहां पैदा होता है? वन इज फोर्सिंग अदर टू बिकम लाइक हिम और हर. ऑफिस में समझ में आया क्या कॉन्फ्लिक्ट है और फैमिली में क्या हो रहा है? वाइफ की पूरी जद्दोजहद चल रही है, शिद्दत से वाइफ कोशिश कर रही है हस्बैंड शुड बिकम लाइक द वे शी वांट. And husband क्या शिद्दत कर रहा है? The wife should become the way I want. तू मैं बन, तू तू ना रहे, तू मैं बन. So let's say for analogy, let's say husband is having character of the lawyer. Analogy में तो lawyer बन ही सकते हैं. वैसे पता है हमें भेड़ है कि हम क्या है, बकरी है, मालूम खुद तो पता ही है. लेकिन एफाइलोलॉजी, द हस्बैंड इज द कैरेक्टर ऑफ लॉयर. एंड लेट्स से द वाइफ इज विद द कैरेक्टर ऑफ जिराफ. वाइफ इज जिराफ. द जिराफ इज स्ट्रगलिंग होल लाइफ टू मेक दैट लॉयन एज ए जिराफ. And the lion is struggling whole life to make giraffe as a lion. लेकिन प्रकृति का भी तो कुछ नियम है. प्रकृति का नियम यह है कि जिराफ कभी लायन नहीं बन सकता और लायन कभी जिराफ नहीं बन सकता. लेकिन इस संघर्ष में कि जिराफ को लायन बनना है और लायन को जिराफ बनना है, जिराफ जिराफ नहीं रहता और लायन लायन नहीं रहता. दोनों विभस्त हो जाते हैं, डिस्गस्ट हो जाते हैं. They lose their mean flair of them, but they even couldn't become the other one. और फिर तब शिकायत आती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, यहां भी मरोगे. फिर यह भी सुनना है कि तुम पहले वाले नहीं रहे. अब एक तो प्रकृति का नियम में रह नहीं सकता क्योंकि हर घड़ी, और आप ये भी नहीं बोल सकते तुमने बदल दिया फिर मैं रहूं. अब इसी बीच में वहां दो बच्चे भी पैदा हो गए हैं, क्योंकि बच्चे इज नथिंग डूइंग विद लव, इज अ बायोलॉजिकल इंटरकोर्स एंड यू आर गेटिंग लव. इवन यू डोंट लव यू गेट द किड्स. और प्रकृति का नियम है न लायन पैदा हुआ न जिराफ पैदा हुआ. कोई मंकी के रूप में पैदा हुआ, मे बी कोई फिश के रूप में पैदा हुआ, डिफरेंट करेक्टर है. अब बेटा है मान लीजिए मंकी के रूप में है, द लायन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट द बेटा शुड बिकम लाइक फादर. और मां की पूरी कोशिश है जिराफ की जो फिश है वो मां की परछाई बने. हालांकि दोनों एक इंडो आइडेंटिटी थे. ये जो डोमिनेंस का खेल चलता है ये प्रत्यक्ष चलता है और कई बार अप्रत्यक्ष चलता है, लेकिन चलता जरूर. कितना सुंदर दृश्य होगा कि तू तू रहे और मैं रहूं, मिलकर हम बने, मैं तू बन के बदले में. यू ब्लॉसम द वे यू आर, मी ब्लॉसम द वे आई एम, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स द किड, लेट्स पैम्पर देम, लेट्स प्रोटेक्ट देम, लेट्स गाइड देम, लेट्स गिव देम व्हाट दे लुक फॉर. सो लेट्स दैट मंकी बिकम सो वंडरफुल मंकी which can touch the branches of the tallest tree in the jungle. Let's give the environment to the fish so she can dip down to the ocean and she can touch the base of the ocean. Let's make the fish so powerful there. So relationship mein ek hi dhwan chal raha hai, wo hai ki mera astitva tere astitva ko samajit kar le. Beneath of the struggles, ध्यान रखिएगा, beneath of any relationship,
यू रिमूव द कार्पेट्स 1, 2, 3, 4 कार्पेट्स यू विल फाइंड दिस कोर. You feel that if you had not done mistakes, so many mistakes, as a junior, you don't allow the junior to do mistakes. Maybe you had a better senior than you. Maybe that's why you didn't did so many mistakes. तो हर बार junior अगर आपकी बात नहीं समझता है, तो हर बार junior पे शक नहीं करना. कई बार खुद पे भी शक करना, यार क्या मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं. यू कैन बी सो सेटल इन्वायरमेंट ऑफ 30-25 ईयर्स बैक. टूडेज इन्वायरमेंट, लुक एट द इन्वायरमेंट, कितना वोलेटाइल इन्वायरमेंट है. वो बच्चे पे क्या प्रेशर होगा सोच के देखिए. वो बच्चा किस माहौल से निकल के आ रहा है. कैसे संभव है कि वो आपकी तरह ही स्थिर बुद्धि वाला हो? ये संभव नहीं है. 25-30 साल में बहुत कुछ बदल दिया है. और ये बहुत ड्रास्टिक ईयर्स हैं. ये बहुत ड्रास्टिक ईयर है समाज के बदलाव के लिए. हमने एक स्मूथ कर्व देखा है समाज में, ध्यान रखिएगा. हमने जो गाड़ी मोड़ी है अपने जीवन में, वो स्मूथ कर्व पे मोड़ी है. अब बच्चों को यू टर्न लेने पड़ रहे हैं. वो बच्चा जो नया ज्वाइनिंग आपके पास है, वो भी इसी यूटर्न का ही बच्चा है, जैसे घर में हमारा बच्चा यूटर्न का बच्चा है.